भागलपुर के स्टेशन परिसर स्थित शौचालय के समीप उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब शौचालय से शौच कर बाहर निकल रहा युवक अचानक गिर पड़ा और देखते ही देखते उसकी जान चली गई। इस दौरान स्टेशन परिसर में युवक के शव को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मृतक की पहचान कटिहार निवासी राजा कुमार पासवान के रूप में हुई, जो श्याम मेटालिक कंपनी के टेक्निकल विभाग में कार्यरत है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे श्याम मेटालिक कंपनी के सीनियर ऑफिसर विवेकानंद विक्रम ने बताया कि हम लोग एक ही कंपनी में काम करते हैं। मृतक राजा कुमार पासवान ने उसे फोन कर बुलाया और कहा कि आपका दीपावली का गिफ्ट आया है, आकर ले जाए। मैं बौसी से उनसे मिलने पहुंचा था। वहीं शौचालय कर्मी विनय कुमार ने बताया कि मृतक शौचालय से निकला और अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा, जिससे उसकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची रेल थाना पुलिस मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। ये जो मृतक हैं कहां के रहने वाले हैं? ये कटिहार के रहने वाले हैं, श्याम मेटालिक में काम करते हैं, बिहार टेक्निकल में थे। ठीक है, हम पिकअप करने के लिए आए थे, जब हमको पता चला तो हम देखे, इससे ज्यादा मैं खुश हूँ। आप इनके साथ ही काम करते थे? साथ ही काम करते थे हम, हाँ, कंपनी एक ही है। अच्छा, कहाँ काम किया करते थे? कटिहार में? सर वो पूरा बिहार के थे और हम भागलपुर और बांका के। क्या नाम? लैट्रिन गया था, लैट्रिन से वापस आकर के उधर तो थर थराते आया, गिरा पड़ गया। और भगवान जाने अभी हम कंफर्म नहीं है मरा कि गिरा। वो तो देख रहे हैं मृत हो गया है, जो भी है। कहाँ का आदमी है पता चला? पता नहीं, पुलिस प्रशासन कन्फर्म किए जी। अच्छा, आए भागलपुर में शराब पीने वाले अब बेखौफ होकर सड़क पर घूमते और नाटक करते नजर आ रहे हैं। शहर के इसाकचक थाना क्षेत्र के भोलानाथ पुल के पास एक शराबी घंटों सड़क पर शराब पीकर नशे में झूमता रहा। उसके बगल से पुलिस गाड़ी भी गुजरी और शराबी ने उसे भी रोककर कुछ कहा, लेकिन फिर पुलिस की जिप्सी सीधे चलती बनी। वहीं भोलानाथ पुल के आगे बढ़ने पर एक पुलिस का जवान नाश्ता कर रहा था और उसके बगल से शराबी जब झूमता जा रहा था और जब पुलिस का ध्यान शराबी की तरफ दिलाया गया तो उसने भी कोई ध्यान नहीं दिया और वो अपने नाश्ते में मशगूल रहा। वहीं आगे बढ़ने पर शराबी का नाती मिला, वो छोटा बच्चा उसे घर चलने के लिए कहने लगा, लेकिन उसकी भी बात नहीं सुनकर शराबी वहां भी शराब के नशे में झूमता रहा और आने जाने वाले राहगीरों को परेशान करता रहा। जब हमने शराबी से पूछा कि उसने शराब कहां से पी है तो उसने बताया चिरौते के झाड़ के पास शराब लेकर आई थी, उसी से उसने शराब खरीदी जिसे पीकर वो झूम रहा है। वहीं जब उससे शराब पीने का कारण पूछा गया तो उसने बताया उसे गम है। बिहार में शराबबंदी होने की बात पर वो कहता है कि बिहार में शराबबंदी कहाँ है। वहीं शहरी इलाके में जब शराब पी के लोग इस तरह से झूमते नजर आते हैं तो शराबबंदी की हकीकत को अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। दारू झारखंड से लाके दिया, सौतरनिया सौतरनिया और बोलिए सौतरनिया दिया। नीतीश कुमार पान कहाँ किया? नीतीश कुमार पान किया हुआ है ना मुख्यमंत्री, पुलिस पकड़ेगा तो क्या होगा? है जेल जाएगा, मारेगा, थाना देगा। कहे पीते है दारू? हमारा सतर निया ला के दिया। भागलपुर पहुंचे गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर से दोहराया है कि मैं अपने जुबान पे कायम हूं कि भागलपुर से अजय नहीं मैंने चुनाव लड़ा है और केंद्र सरकार की तरफ से भागलपुर जिले में विकास की कई योजनाएं हैं जो चल रही हैं या पूर्ण होने को हैं, साथ ही नई योजनाएं भी आ रही हैं। इन योजनाओं के पूर्ण होने पर भागलपुर की तस्वीर बदल जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने मुख्य रूप से बताया कि जल्द ही भागलपुर के पीरपैंती से देवघर तक नई रेल लाइन
शुरू होने वाली है। साथ ही बताया कि कहलगांव पीरपैती के पास कोल ब्लॉक मिला है जिस पर काम शुरू होने वाला है। NHAC के बारे में कहा कि उस पर तो काफी तेजी से काम चल रहा है, जल्द ही काम दिखने लगेगा। भागलपुर के हवाई अड्डे पर 12 करोड़ रुपए जो खर्च किए जा रहे हैं वो केवल करप्शन का खेल है, क्योंकि वहां जब हवाई अड्डे पर जहाज उतरेगा ही नहीं तो पैसे खर्च करने का क्या फायदा। इस दौरान निशिकांत दुबे ने कहा कि विक्रमशिला को बौद्ध सर्किट से जल्द ही जोड़ा जाएगा। केंद्र यहां केंद्रीय विद्यालय देना चाहती है पर अभी तक जमीन नहीं दी गई है। कहलगांव के दियारा एवं पीरपैंती के दियारा इलाकों में जो कटाव हो रहा है उसे रोकने का भी प्रयास केंद्र सरकार करेगी। निशिकांत दुबे ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार की सरकार 2024 तक ही रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि जदयू का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, बिहार में केवल राजद और भाजपा रहेगी। और क्या कुछ कहा गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने, आइए आपको सुनाते हैं। मुझे कुछ दिनों से लग रहा था कि भागलपुर में जो विकास की खबर है या भागलपुर जिले को इससे जो फायदा होने वाला है वो किसी कारणवश प्रेस से छूटा हुआ, उसको मीडिया भागलपुर में या तो पकड़ नहीं पा रही है या कोई प्रॉपर जानकारी उसको नहीं दे रहे हैं। एक जो सबसे बड़ा हुआ है, देखिए ये भागलपुर जिला जो है दो भागों में विभक्त, गंगा के इस पार और गंगा के उस पार, और भागलपुर की इकोनॉमी में दो तीन चीज़ें हैं जो कि एक माइलस्टोन हो सकता है इस इलाके के लिए। तो दो तीन जो डेवलपमेंट हुए हैं जो भागलपुर से रिलेटेड और जिसकी प्रमुखता होनी चाहिए, जो माननीय मोदी जी के कारण संभव हो पाया है, एक तो पीरपैंती से देवघर ये नई रेल लाइन, गोड्डा तक रेल लाइन बन गया है, गोड्डा से हसडिया और हसडिया से देवघर जो है वो रेल लाइन हमको लगता है कि मार्च में चालू हो जाएगा, मार्च नहीं हो अप्रैल में हो जाएगा लेकिन वो चालू हो जाएगा। उसका जो एक पार्ट बचा हुआ था गोड्डा से पीरपैंती, उसके लिए रेल मंत्री ने, रेल मंत्रालय ने, ये टोटल 1400 करोड़ की योजना है, उसकी स्वीकृति दे दी है और पहला ऐसा प्रोजेक्ट है वर्षों के बाद, मुझे लगता है कि बिहार के लिए पिछले 8-10 साल में ये पहला प्रोजेक्ट होगा कि कहीं 1 किलोमीटर रेल लाइन भी चलेगी जो कि रेलवे अपने खर्चे से बनाए। और ये इतना बड़ा है कि मान लीजिए कि पीरपैंती के लोगों को, कहलगांव के लोगों को यदि देवघर जाना है, रांची जाना है, तो उसको अब भागलपुर आने की आवश्यकता नहीं है, वो वहीं से ही जाओ होकर चला गया। तो एक ये खुशखबरी थी। दूसरा, बिहार जो पिछड़ा या बिहार में जो विस्थापन पलायन है, बिहार में रोजगार नहीं हो रहे हैं, उसमें यह है कि जितने माइंस और मिनरल्स वो सब चले गए झारखंड, बिहार में केवल मिट्टी बालू पानी यही बच गया। तो संजोग से कहलगांव में और पीरपैंती के आसपास कोल ब्लॉक मिला, जिसको मंदार पर्वत कोल ब्लॉक कहिए और जिसको बाराहाट पीरपैंती कोल ब्लॉक कहिए, दो कोल ब्लॉक। ये कोल ब्लॉक BCCL को मिला था, उसके विस्थापन के कारण उनको ये सहज नहीं हुआ। अभी केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला किया जिसके कारण कि वो अभी बिड में जा रहा है कि यदि कोयला विस्थापन को हटा के निकाला जा सकता तो कोयला निकाला जा सकता है। अब आप समझें कि इसके कारण कि बिहार में उद्योग धंधा के बढ़ने के लिए कोल ब्लॉक हो गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। और भागलपुर में हुआ ये भी मैंने देखा कि वो कटा हुआ सा न्यूज है। तीसरा, जो मैंने कहा कि दो भागों में विभक्त,
अब मान लीजिए कि पीरपैंती के आदमी को बेपुर जाना है, पीरपैंती के आदमी को नौगछिया जाना है, या मान लीजिए कि हमने एक ट्रेन जो चालू की है अगरतला से देवघर, तो उसका जो लाइन अलाइनमेंट है या उसमें जो परेशानी है कि मान लीजिए कि 10 बजे वो देवघर से अगरतला वाली ट्रेन यहाँ भागलपुर में है, और यदि भागलपुर में वो छूट जाए तो आप फिर 1-1.5 बजे नौगछिया में उसको पकड़िए, 3.5 घंटा वो भागलपुर जिले में ही जो है वो घूम रहा है, 3-3.5 में। तो एक बहुत दिन से जो सेंक्शन है और बहुत इस पर चर्चा होती है कि विक्रमशिला कटेरिया जो रेल लाइन है वो पीएम गति शक्ति में जाएगा, और संभावना उसकी ये है कि उसका भी सारा पैसा रेल मंत्रालय देगा और उसका भी प्रोसेस माननीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी के कारण उसका चालू हो गया। इसके बाद NH80, आज भी NH80 पर मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, अखबारों में बहुत लंबा चौड़ा छूट सकता है, लेकिन मैं जो मिस कर रहा हूँ कि 4-lane NH80 बन रहा है, उसका लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस चालू हो गया, कहीं वो मान लीजिए कि उसकी मिट्टी भराई का काम चल रहा है, ये लोग नहीं देख रहे। ये दिखाना चाहिए कि NH80 का अलाइनमेंट क्या है। केंद्र सरकार ने सारा का सारा पैसा दे दिया, सारा का सारा लैंड एक्विजिशन हो गया, उसमें ठेकेदार तय हो गए, और मुझे लगता है कि इस महीने ने अगले महीने जो है वो सब काम हो जाएगा। तो जो एक आप समझिए कि भागलपुर का एक नासूर बना रहा है NH80, और उसके ऊपर चूंकि मेरे ऊपर बहुत लोग कहते हैं कि मैंने कहा कि अजय नहीं मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, तो अजय नहीं मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, आज भी मैं इस बात पर कायम हूँ। मैं 1000 चीज़ें कह सकता हूँ कि जो बरसों से लंबित सारी चीज़ें थी वो सारी पूरी हो गई। आज भोलानाथ पुल हो गया, जिसको भी क्रेडिट लेना है, मैंने कहा कि क्रेडिट नहीं लेना है, लेकिन यही मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इतने तारीख को ये इतने का प्रोजेक्ट है और ये पास हुआ रेलवे से, अब दे रही है बिहार सरकार पैसा। तो भोलानाथ पुल का आपको पता है कि काम चालू हो गया, NH80 का काम चालू हो गया, यही सारी समस्या थी ना भागलपुर। मैं बटेश्वर पंप न बटेश्वर में जो है गंगा पर पुल बनेगा, वो यदि जिस दिन वो रेल लाइन विक्रमशिला कटेरिया हो जाएगी, आप समझिए कि 5 लाइन को वो जोड़ेगा, उस पर नौगछिया की लाइन को जोड़ेगा, इस तरफ ये हावड़ा भागलपुर रेल लाइन को जोड़ेगा, आगे जब वो बढ़ेगा तो जो दुमका और भागलपुर राम रेल लाइन जा रही है उसको जोड़ेगा, उससे जब वो आगे बढ़ेगा तो देवघर दुमका लाइन में जुड़ेगा, और उससे जब वो आगे बढ़ेगा तो जसीडी से हावड़ा की जो लाइन है ये बाईपास होगा। इतना बड़ा बाईपास मुझे नहीं लगता कि रेलवे के इतिहास में कहीं है, 5 लाइन को जोड़ने वाला। भागलपुर में गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, गंगा का पानी निचले इलाके के कई घरों में प्रवेश कर गया है, इससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नाथनगर के चंपा नगर के इलाकों में पानी प्रवेश करने से बुनकरों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बुनकरों के पावर लूम और हैंडलूम में पानी पहुँचने से लूम बंद हो चुका है, जिससे उनके कमाई पर असर पड़ा है। दर्जनों कारोबारियों के लूम बंद हो गए हैं। दिवाली और छठ पूजा को लेकर मिल के कपड़ों के ऑर्डर भी कैंसिल हो चुके हैं। कई बुनकरों के घरों में पानी प्रवेश कर चुका है। बुनकर बीबी फराना के लूम में 10 दिनों से पानी है, इससे पूर्व में आए बाढ़ से कारोबार ठप हो चुका है। ऐसे कई बुनकर हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, ऐसे में जलस्तर बढ़ने से और लगातार बाढ़ आने से छोटे और बड़े कारोबारी दोनों परेशान हैं। लगातार परेशानियों का सामना कर रही बुनकर बीबी फराना ने बताया कि बाढ़ के कारण उनके पूरे परिवार के सामने भूखमरी की समस्या आ गई है, साथ ही उसने सरकार और जिला प्रशासन से उचित सहायता दिए जाने की मांग भी की है। परेशानी में हम झूल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे कैसे स्कूल पढ़ाएं, कैसे कोचिंग करेंगे, कैसे खाना पीना हुएगा, कैसे कारोबार हुएगा, कैसे परसुएंगे, कैसे कोचिंग करेंगे, भैया आप ही बताइए, खाने के लिए मरण हो रहा, क्या चीज का दिक्कत हमको हो रहा है, हम ही जानते हैं, रोड पर सो रहे हैं, है? कितने दिक्कत हो रहा, कुछ ना पैसे का मदद कर रहे हैं, ना खाने पीने का मदद कर रहे हैं, कारोबार का भी मदद नहीं कर रहे हैं, कैसे परेशानी हम उठा रहे हैं रोड पर, सरकार भी ना सुनने पर मेरा तैयार है। इस बार गौ सृजन पंचजन्यम की ओर से प्रकाश पर्व एवं दीपावली की परंपराओं के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण की भी झलक देखने को मिल रही है। दीपावली में प्रकाश के साथ साथ
मिट्टी के दीपों का सोंधापन व गाय की गोबर की सुगंध भी शामिल की गई है। गाय के गोबर से बने दीपक जब घर की बालकनी चौखट में अपना प्रकाश फैलाएगी तो अध्यात्म के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देता दिखेगा। ऐसा ही कार्य कर दिखाया है इंदुशेखर पांडे, ऋषिकांत पांडे और निशिकांत पांडे ने। उन्होंने गोबर से बने दीपक, गणेश, लक्ष्मी की मूर्ति के अलावे कई खिलौने तैयार किए हैं। अपने शहर भागलपुर में पहली बार दीपावली एवं छठ महापर्व के शुभ अवसर पर गाय के गोबर से निर्मित इको फ्रेंडली अनेक डिजाइनों में दीपक, गणेश, लक्ष्मी की प्रतिमा, तोरण द्वार, शुभ लाभ, स्वास्थ्य जैसी वस्तुओं की जमकर बिक्री हो रही है। लोग बड़े चाव से गोबर के बने गणेश, लक्ष्मी की मूर्ति, दीपक, रंगीन खिलौने की खरीद कर रहे हैं। इसमें तुलसी के पत्ते, टहनी, कई फूलों की टहनी पत्तियों को मिलाकर गोबर में तैयार कर इसे बनाया गया है। निशिकांत पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल की तर्ज पर इसे तैयार किया है। यह लोगों को काफी आकर्षित भी कर रही है, हमारी बिक्री भी अच्छी हो रही है। मैं एक साल से ये कार्य कर रहा हूँ, इसमें मैंने कई तरह की चीजों को तैयार किया है। बताते चले, जहां मिट्टी के दीपक और पानी से जलने वाले दीपक की क्रेज देखी जा रही है, वहीं गोबर से बने सामग्रियों की काफी धूम है, जमकर लोग इसे खरीदते भी दिख रहे हैं। शुद्ध गाय के गोबर से निर्मित किया गया है। क्या क्या चीज है आपके पास गाय के गोबर? गाय के गोबर से मेरे पास तोरण द्वार है, शुभ लक्ष्मी है, ओम श्री स्वास्तिक है, गणेश मूर्ति है, दिया अनेक डिजाइन में है और फिलहाल 40 प्रोडक्ट पे हम काम कर रहे हैं। इसके बाद फिर गौअर्क बनाएंगे, गोनाइल बनाएंगे, फर्श साफ करने के लिए बहुत सारा हम लॉन्च करने वाले हैं। दीपावली पे क्या क्या विशेष आपने दीपावली पे क्या क्या विशेष लॉन्च किया? अनेक तरह का डिजाइन दिया है मेरे पास, शुभ लाभ है, मयूर शुभ लाभ है, लक्ष्मी गणेश का मूर्ति है, गमला है, तोरण द्वार है, मयूर शुभ लाभ है, इस उपलक्ष्य में हम ये सब लॉन्च किए हैं। कितने वर्षों से ये कार्य कर रहे हैं? अभी तो फिलहाल हम एक वर्ष से काम करना शुरू किए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम इंदुशेखर पांडे हुआ, गांव ग्राम बात है। हम सभी अपने भारतवासियों से आग्रह करते हैं कि दीपावली के शुभ अवसर पर गांव में निर्मित गोबर से निर्मित दीपक जलाएं और अपने घर को वातावरण शुद्ध वातावरण करें।